10 करोड़ है, उसमें इतनी चहचहाहट सब मच गई एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में कि लड़की कौन है। पेरेंट्स यही देख रहे होंगे कि आप एजुकेशन के फील्ड में ही आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपका तो मॉडलिंग की तरफ रास्ता निकला। कैसे ये क्या हुआ? मैं बम्बई में आई हुई थी छुट्टी के लिए और मुझे जो है चर्च गेट स्टेशन पे किसी ने देख लिया और मुझे जो है नेक्स्ट थिंग कॉल्स आने लगी। फोटोग्राफी करनी है और गोदरेज का मार्बल सूप आ गया और इस तरीके से शुरुआत, वहाँ से आपकी मॉडलिंग की शुरुआत हो गई। और आप तब कॉलेज भी कर रही थी और कॉलेज में आप गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। हाँ, मैं कहना भी मुझे ऐसा लगता है कि वाह मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पढ़ाई में जो भी मैं करती हूँ मैं दिल से करती हूँ, तो पढ़ाई जब करनी होती तो मैं पढ़ाई भी पूरी अच्छे तरीके से करती थी। तो हाँ ठीक है, वो कॉलेज में ग्रेजुएशन में मेडलिस्ट हो गए। बाय द वे उसका जो मुझे स्कॉलरशिप का पैसा मिला है जी, उससे मैंने टिकट बम्बई का खरीदा था। अच्छा। और वहाँ मेरी 700 रुपये से शुरुआत हुई है बम्बई में। अच्छा, जो फर्स्ट मॉडलिंग असाइनमेंट है उसके लिए आपको, और कौन सा ये मॉडलिंग असाइनमेंट था? गोदरेज का ही था। और उसके बाद धीरे धीरे आपको मॉडलिंग असाइनमेंट आए और आप बन गई इंडिया की फर्स्ट इंटरनेशनल मॉडल। सो यू नो द थिंग इज कि बहुत, मतलब मैं क्या कहूँ, थिंग्स हैपेंड इन सच अ वे दैट जस्ट विद गोदरेज का जो एड आया है सब उसमें इतनी चहचहाहट सब मच गई एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में कि लड़की कौन है। अच्छा, क्योंकि मैं तो बम्बई की नहीं थी, कोई मुझे जानता नहीं था। हाँ। मैं तो अकेली थी यहाँ पे एक तरीके से। एक क्यूरियोसिटी जग गई और मैंने जो है बहुत हाई चार्जेस किए थे, मतलब पैसे मैंने बहुत लिए थे उसके लिए, एड के लिए, क्योंकि मैं सोशल वर्क कर रही थी और मैंने उनसे कहा देखो मुझे इंटरेस्ट नहीं है मॉडलिंग में। अच्छा। आप इतने दोगे तो मैं करूँगी। मैंने कहा ये मना कर देंगे, 1,00,000 रुपया उस समय मैंने मांगा था। अच्छा, late 80s में, उस समय 1,00,000 रुपया आज का जो है 10 करोड़ है। यस यस ऑफ कोर्स। तो मैंने सोचा कि वो मना कर देंगे, क्योंकि मैं मॉडलिंग नहीं सोच रही थी। मैं सोच रही थी यहाँ पे ब्लाइंड स्कूल के बच्चों के साथ मैं काम करूँगी। अच्छा, क्योंकि मेरा दिमाग उसी में लगा हुआ था। हाँ, मेरा वो तो इसमें जो है एकदम से सडनली ये आ गए, तो इनसे मैंने कहा भाई, एंड दे सेड यस बिकॉज द क्लाइंट वॉन्टेड। मिसेस गोदरेज ने कह दिया था कि ये लड़की चाहिए मुझे। अच्छा, ये फेस चाहिए, फेस ऑफ गोदरेज। एंड देन बस उसके बाद जो है बिकेम सुपर मॉडल। नेक्स्ट थिंग इंटरव्यूज आने लगे लोगों के, एंड अब मैं कभी चुप तो नहीं बैठी हूँ, फिर लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं बात करती हूँ, एंड आई एम ऑनेस्ट इन व्हाट आई से, एंड आई हैव थिंग्स टू से, आई हैव अ थॉट प्रोसेस, आई हैव, मुझे जो है मैं सोचती हूँ और मुझे हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ मेरा एक ओपिनियन रहता है जी। तो वो सब मैंने इंटरव्यूज होने लगे और वो ही इंटरव्यू महेश भट्ट ने पढ़ लिए वो इंटरव्यूज। अच्छा। और उन्होंने कहानी आशिकी की अपनी लाइफ की मिला के और ये लड़की की कहानी देख के उन्होंने जो है मेरी कहानी, अनु वर्गीज मेरे ऊपर मॉडल की जो मॉडल। अच्छा। बनती है सब मेरी कहानी थी।